शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जनाब असलम साहब, जरा यहाँ तशरीफ लाइए। जनाब, हमें तो आपसे वफा की उम्मीद थी जी, मगर आप तो बड़े बेवफा निकले। ये क्या कह रही हैं आप? हमने आपसे रात कहा था कि सोते जागते ख्वाबों ख्यालों में आप हमें ही देखिएगा, किसी और को नहीं। कहा था ना जी? कहा था। तो फिर बताइए, आपने हमें ख्वाबों में देखा? ओ जी नहीं। हमें सब मालूम है, आप तो कहीं और बिजी थे ना? कहीं और? जी हाँ, बेवफाई की भी हद होती है। कल रात आप एक अकेली लड़की के कमरे में घुस गए। जी मैं? जी हाँ आप, और उसे अपनी बाहों में कसकर कहने लगे कि तुम्हारे होंठ कितने रसीले हैं, तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं, और तुम्हारी मुस्कुराहट तो कयामत है। ये क्या कह रही हैं आप? इतना ही नहीं जनाब, फिर लाइट्स ऑफ करके आपने जो जो शरारतें की, उफ हाय अल्लाह, मैं कैसे कहूँ, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। देखिए देखिए, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसी कोई बेहुदा हरकत नहीं की। बेहुदा हरकत नहीं की? अरे आपने तो उसको यहाँ तक कहा कि हमारा प्यार हवस नहीं, एक सच्चा इश्क है, और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, और जानते हैं फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं खुशी से झूम उठी। ओह माय गॉड नगमा, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। ये मजाक नहीं है जनाब, इसे कहते हैं हसीन तूफा। और देखना था आपको और देखा हमने, है ना हसीन तूफा? जी हाँ। क्या ये ख्वाब सच नहीं हो सकता? ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं नगमा, हकीकत नहीं। लेकिन कुछ ख्वाब सच भी तो हो जाते हैं ना असलम। आंटी बॉल दे दो। ये लो बेटा। क्या नाम है आपका? एंथनी। बहुत अच्छा नाम है एंथनी। सूजी को भी बहुत पसंद है। सूजी? सूजी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। आंटी आपका कोई बेटा नहीं है? नहीं एंथनी, अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो ये अंकल आपके बॉयफ्रेंड है? हाँ एंथनी। अंकल ये आंटी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे जरूर शादी कीजिए। अगर इन्होंने मुझसे शादी की ना, तो मैं बच्चों की रेलगाड़ी बना दूंगी। छुक छुक गाड़ी? आंटी मैं इस रेलगाड़ी का गार्ड बनूंगा। श्योर, व्हाई नॉट। बाय आंटी। बाय अंकल। बाय एंथनी। कितना प्यारा बच्चा है। तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है? बहुत, मगर सिर्फ देखने का ही नहीं, पैदा करने का भी शौक है। तुम हमें अपना कर तो देखो असलम, हम तुम्हें ढेर सारे बच्चों का बाप बना देंगे, और फैमिली प्लानिंग वाले भी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। नगमा, मैं माँ नहीं बन सकती। ओह माय गॉड, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स की यही राय है, मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा। असलम और दादा हुजूर, दोनों के होंठों से तो जैसे मुस्कुराहट ही रूठ गई। वो दोनों? क्या वो दोनों हालत सलूक करते हैं तेरे साथ? नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। असलम का खानदान मुझ पर ही खत्म हो जाएगा। नगमा, मैं उस हवेली में औलाद की खुशियां देखना चाहती हूँ, मुस्कुराहटों से खिलखिलाता एक नन्ना सा फूल देखना चाहती हूँ जो असलम की औलाद कहलाए। लेकिन ये तो अल्लाह की मर्जी है रुखसार, हम उसकी मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी में सिर्फ अंधेरे ही तो नहीं होते नगमा, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी तो होती है। मतलब? तू वो उम्मीद की किरण है नगमा। मैं कैसे? आज ये आंचल फैलाकर बहुत बड़ी कुर्बानी मांगने आई हूँ तुझसे। रुखसार, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तो वादा कर, मेरा ये आंचल खुशियों से भर देगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। तू बोल तो सही, तू असलम से शादी कर ले। रुखसार, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं असलम से, तेरे शौहर से शादी कर लूं, तेरी ही सहेली होकर तेरी सौतन बन जाऊं, तुझसे तेरा शौहर बांट लूं? नहीं रुखसार नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। खुदा के बाद तेरे सामने आंचल फैलाया था, उसकी रहमत नहीं हुई, तूने भी ठुकरा दिया। रुखसार, मेरी जान मेरा ऐसा इम्तिहान न ले, अगर तुझे मेरी दोस्ती पर शक हो
तो मुझे जहर दे दे। तुझे जहर क्यों दूं? तू तो मेरी लाडली सहेली है ना, जहर तो मैं खुद पी लूंगी। तू चारा सुबहाने मेरी मैयत तो रहेगी ना। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है नगमा, आजकल तो जहर कदम कदम पर मिलता है। यहाँ नहीं तो कहीं और जाकर खा लूंगी। यहाँ जहर खाती तो तेरी बाह में जान सुकून से निकलती। दुखों से घबरा कर खुदकुशी कर लेना, कहा कि अकलमंदी है रुखसार। नगमा, जिनके लिए खुदा के दरवाजे बंद हो जाएं और दोस्तों के दिलों में जगह भी ना हो, उनका जीना क्या मरना क्या? मेरी दोस्ती पर इल्जाम मत धर रुखसार, मगर जो तू मांग रही है वो मेरे बस के बाहर है। क्या बस के बाहर है? अरे पगली, तू समझती है तू मेरी सौतन बन जाएगी? मैं पूछती हूँ, क्या तू मेरी बहन बनकर मेरे साथ नहीं रह सकती? क्या तेरी औलाद की माँ मैं नहीं बन सकती? क्या कोई औलाद तो नहीं है रुखसार? नहीं है ना, मुझे इस आग में ना दाल में जल कर राख हो जाऊंगी। मैं तुझे फूलों की तरह रखूंगी, बस एक बार तो असलम के बच्चे की माँ तो बन जा। लेकिन क्या असलम इस बात के लिए राजी है? नहीं नगमा, तुझे असलम को मुझसे भी ज्यादा प्यार करना होगा, उनके दिल में अपना प्यार बसाना होगा। या खुदा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ कह दे नगमा, मेरी दोस्ती पर कुर्बान हो जा। अगर यही कुर्बानी मांगने मैं तेरे पास आती तो तू क्या करती रुखसार? खुदा तुझे कभी ऐसी मुश्किल में ना डाले। अगर तुझ पर ऐसी घड़ी आती तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे देती। ठीक है रुखसार, तेरी दोस्ती के खातिर आज मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ वो गलत है या सही। नगमा, नगमा, मेरे अल्लाह मेरी सारी खुशियां नगमा के नाम कर दे। पर नगमा, असलम को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी सहेली है। अरे ये ताला किसने लगाया? मैंने। नगमा बेटी, खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जबान से बेटी कहा। तुमने मुझे मेरे असलम से जुदा कर दिया, तुमने मेरी प्यारी बहन जैसी सहेली को मेरा दुश्मन बना दिया। उसके मासूम बच्चे की जान लेते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी, उसके फूल जैसे बच्चे को तुमने बम से उड़ा दिया। कितने जलील, कितने कमीने, कितने हैवान हो तुम दोनों वैशी दरिंदों को खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। देखा, तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। चलो ताला खोलो, हमें एयरपोर्ट जाना है। चला एयरपोर्ट नहीं कमीनो, यहाँ से तुम सीधा जेल ही जाओगे, पुलिस अभी आती ही होगी। पुलिस? नगमा सीधी तरह से ताला खोलो वरना। ताला तो पुलिस के आने के बाद ही खुलेगा। तो ठीक है, फिर हम इस डुप्लीकेट चाबी से ताला खोल लेंगे। हाँ मुन्ना, रुक जाओ। अजगर है नाम मेरा, मैं दस्ता नहीं निकल जाता। लाओ चाबी मुझे दो जल्दी। चलो मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। हमें पुलिस की गोली से बचाने वाली एक मासूम डाल है ये, हमारे स्विट्जरलैंड जाने का वीजा है ये वीजा, हमें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, किसी ने हमें रोका, रुखसार के बच्चे को तो हमने मिट्टी में दफनाया था, लेकिन इसे मैं स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी बर्फ में दफनाऊंगा। जल्दी करो, अरे पुलिस आती हो। बंद करो इसे, मैं कहता हूँ बंद करो। कभी ना कुछ तो मेरा बच्चा मुझे दे दो। बच्चा मेरे पास है। तुम बच्चा मेरे हवाले कर दो वरना। हेलो असलम,
नगमा के बारे में सोच रहे थे। नगमा तुम्हारी जिंदगी की एक नई सुबह है। नहीं असलम, नगमा रुखसार के लिए एक काली रात है जिसकी कोई सुबह नहीं। नगमा असलम की जिंदगी की खुशियों भरी वो रात है जो असलम औलाद की दौलत से माला माल कर देगी। अगर तुमने नगमा से शादी की तो रुखसार के कलेजे में लगने वाली चोट इतनी गहरी होगी जिसमें हजारों समुंदर भी डूब जाए तब भी उसकी गहराई का अंदाजा नहीं हो सकता। लेकिन रुखसार तो खुद चाहती है कि औलाद की खातिर असलम दूसरी शादी कर ले। असलम को औलाद की खुशियां देने के लिए ये रुखसार की कुर्बानी का जज्बा है। वो तो जिंदगी भर सौतम नाम का जहर भी पीने को तैयार है। लेकिन असलम, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उस पर जुल्म करो। औलाद की इतनी ही तमन्ना है तो यतीम खाने से बच्चे को गोद भी तो लिया जा सकता है। नहीं, रुखसार को एक ऐसी औलाद चाहिए जिसकी रगों में असलम का खून हो, दादा हजूर के खानदान की चमक हो। और नगमा, नगमा तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है असलम, जहां से औलाद की खुशियों की आवाजें आ रही हैं। असलम, दुनिया में हजारों ऐसे घर हैं जो औलाद की खुशियों से महरूम है, तो क्या वो अपनी बीवी के प्यार को ठुकरा दे और औलाद की खातिर नया घर बसा ले? अगर तुमने नगमा को ना अपनाया तो दादा हजूर का खानदान तुम बड़ी खत्म हो जाएगा और ये इल्जाम सिर्फ तुम्हारे सर जाएगा। तुम्हारे बुजुर्गों की रूहें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। तुम्हारा मतलब है खानदान के नाम को जिंदा रखने के लिए असलम रुखसार के प्यार का गला घोट दे, उसको सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर कर दे? तो क्या नगमा की मोहब्बत को ठुकरा कर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे, उस मासूम बेखता को अंधेरों में कर्क कर दे? असलम, तुम्हें आज फैसला करना होगा। तुम्हें फैसला करना होगा असलम, तुम्हें फैसला करना होगा, फैसला करना होगा। दुनिया में कोई भी औरत अपना शौहर और अपना बिस्तर नहीं बांट सकती। रुखसार मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी खुशी में उसके कहे कहे जीते हैं। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरा। वक्त ने कैसे दो राय पिलाकर खड़ा कर दिया है मुझे, जहां से कदम ना तो आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं। मेरे खुदा, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ये बम उस सफेद गाड़ी में जाके लगा दो। जाओ। दादा हुजूर, आपकी घड़ी की दुकान आ गई। अरे क्या हो गया? नहीं मुन्ना, रोना नहीं। अरे नहीं, अरे भाई सलीम मियां, अदाब नवाज साहब, ये घड़ी चलते चलते अचानक रुक गई है। जी मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं यार, रोते नहीं है बेटे। अब ये यूं नहीं मानेगा, मैं इसके लिए खिलौने ले आती हूँ। हाँ बेटी। अरे बेटे, ये मम्मी खिलौना ला रही है अभी। ये वाला दिखाना। क्या बात है भाई, आज नाश्ते की टेबल पर बड़ी खामोशी है। दादा हुजूर, हमारे मजहब में चार शादियों की इजाजत क्यों है? सही मायनों में चार शादियों की इजाजत, इस्लाम ने औरत की हिफाजत और उसे दुनिया में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए दी है। जैसे अगर कोई औरत बेवा है तो उसे शादी करना जायज है। सही फरमाया आपने। और अगर कोई लड़की या औरत बेसहारा है, बजाय इसके कि वो बच्चलन बनकर अपना पेट भरे, अगर कोई शादीशुदा आदमी उससे निकाह कर लेता है तो ये सवाब का काम है। जी दादा हुजूर। इसी तरह औरतों के बहुत से मसले हैं जिन्हें इस्लाम ने बड़ी खूबी से हल किया है। जैसे? जैसे कि अगर पहली बीवी से औलाद ना होती हो, नस्ल और खानदान खत्म होने वाला हो, तो इस्लाम ने दूसरी शादी करने की इजाजत दी है। लेकिन इसके लिए भी
पहली बीवी की इजाजत जरूरी है। सुन लिया असलम साहब? दादा हुजूर, रुखसार मुझे कल रात से परेशान कर रही है कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बहू, इसमें हर्ज ही क्या है दादा हुजूर? लेकिन मुझे इसकी बात कतई मंजूर नहीं। मैं दो दिन बाद गोवा जाने की बजाय आज ही चला जाता हूँ, वरना ये मुझे यहाँ चैन से नहीं रहने देगी। अजी, दूसरी शादी करने पर तो बीवियाँ खफा होती हैं, शौहर तो बड़े खुश होते हैं, और आप हैं कि? सुना आपने दादा हुजूर, आप जाइए और मेरा सूटकेस तैयार कीजिए, और आज आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आएंगी। छोड़ने तो मैं जरूर आऊंगी। तो फिर आप दूसरी शादी का जिक्र नहीं करेंगी? नहीं करूंगी साहब, मगर गोवा पहुंचकर हमारी इल्तिजा मत भूल जाना। खामोश! हमारी बहू कभी ऐसा जलील कदम नहीं उठा सकती। बेवकूफो, ये तो एक ऐसी नेक औरत है कि जिसके साए में अगर शैतान भी बैठ जाए तो फरिश्ता हो जाए। दादा हुजूर, बिल्ली की लाश टेबल पे पड़ी है, दूध में जहर डालने वाली आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप रुखसार को बेकसूर समझ रहे हैं? इस औरत को खरीदा भी तो जा सकता है, क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि इसे रुखसार ने खरीदा है? कोई और भी तो खरीद सकता है। इसे रुखसार ने ही खरीदा है नवाब साहब, और ये रहा सबूत। दादा हुजूर, ये मेरा ये ब्रेसलेट नगमा की शादी में कहीं खो गया था। सुन लिया? सुनना क्या है, सबूत के साथ पकड़ी गई तो ब्रेसलेट खो जाने का बहाना बना दिया। असलमिया, ये अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी, बड़ी फरेबी और मकार है ये। मैं तो कहती हूँ इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं असलम, ऐसा मत करना। असलम, इस पर कोई रहमत करो, तोड़ दो इससे तमाम रिश्ते नाते। हाँ हाँ, तलाक दे दो इसे। रुखसार, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें। नहीं नहीं असलम, नहीं, खुदा के लिए मुझे मुझे तलाक मत देना, मुझे तलाक मत देना असलम, मुझे मुझे ये गुनाह कबूल है। रुखसार! जी हाँ दादा हुजूर, नगमा को जहर देने के लिए मैंने ही इस औरत को भेजा था, मुझे अपना गुनाह कबूल है असलम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कभी तलाक मत देना, मुझे कभी तलाक मत देना। रुखसार, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, तलाक के डर से ये गुनाह अपने सर न लो, कह दो कि ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं दादा हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही नगमा को जहर देने की साजिश की थी। मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, यही तुम्हारी सजा है। अरे नामुरादो, तुमने असलम की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। मेरी बहू पर झूठी तोहमत लगाने वालों, निकल जाओ इस हवेली से, निकल जाओ। जाते हैं जाते हैं नवाब साहब, लेकिन याद रखिए मैं भी अजगर हूँ जो दस्ता नहीं निकल जाता हूँ। हाँ चल, तुझे तो मैं हवाला तो बंद करवाऊंगा। चल कर लेना साहब।